उत्तर प्रदेश के बांदा में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का है और हम इसे हासिल करेंगे। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, इसलिए ऐसा मत करो। हम पीओके नहीं मांगते, लेकिन हम बीजेपी से ये जरूर कहना चाहते हैं कि हम यहाँ पर बीजेपी से डरे हुए नहीं हैं। कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर कहते हैं पाकिस्तान के पास एटम बम है, पीओके को मत मांगो। अरे मणिशंकर अय्यर, हम तो भाजपा वाले हैं, डरना नहीं जानते भाई। आपको डरना है तो डरो। आज मैं बांदा वालों के सामने बताकर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको प्राप्त कर रहेंगे। भाइयों बहनों, ये फारूक अब्दुल्ला और मणिशंकर अय्यर हमें डराते। आप एक बार मैं उनको कहना चाहता हूं, इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ये महान भारत देश को डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई। यूपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में अपनी टीम को मजबूत करते हुए मोदी और योगी के नाम वोट करने के लिए रणनीति बना दी है और अल्पसंख्यक मोर्चे का दावा है कि यहां पर अब की बार बीजेपी के प्रति मुस्लिम मतदाता के ही परसेंटेज में इजाफा होगा। मुस्लिम मतदाता और बीजेपी पार्टी के इर्द गिर्द सारे मुद्दों पर बातचीत की है हमारे संवाददाता रजा अब्बास ने यहां उत्तर प्रदेश बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बासित अली से। जरा सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की अल्पसंख्यक मोर्चा की टीम अवध क्षेत्र, ब्रिज क्षेत्र, अब पूर्वांचल में जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, जहाँ पे मुस्लिम पसमंदा समाज, चाहे अशरफ मुसलमान, तमाम कम्युनिटी जो मुसलमान से ताल्लुक़ रखती है, उनके बीच में अवध क्षेत्र और तमाम जो विंग्स हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के, वो काम कर रही है। इस वक्त हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के बासित अली जी मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि क्या अब की बार मुसलमान कुछ रुझान बढ़ रहा है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, किस तरह से स्ट्रक्चर आपने तैयार किया है 2022 के चुनाव को लेकर, 2024 के चुनाव को लेकर, लोकसभा को क्या असरात नज़र आ रहे हैं? आपने भी प्रचार किया, आपकी टीम भी कर रही है, क्या रुझान मुसलमानों का इस वक्त बीजेपी की तरफ लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सबसे पहले धन्यवाद आपका, आपके प्रतिष्ठित चैनल पर आप मेरी बात जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश जब सहारनपुर शुरू होता है, सहारनपुर, कैराना, फिर मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मेरठ, रामपुर, संभल, अमरोहा, अलीगढ़, बरेली, आंवला, बदायूं, ये वो बेल्ट है कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी लगातार मुस्लिम वोटरों के अंदर अपना वोट परसेंटेज बढ़ा रही है। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ जब भारतीय जनता पार्टी पूरे 10 साल के अंदर, उसको लगा कि ये इकलौती पार्टी है जो हमें अपना कहकर दंगे नहीं कराती है, जब मुसलमानों को लगा कि वो ये कांग्रेस जैसी पार्टी नहीं है जिसने भागलपुर, मल्याना, हाशिमपुरा, मुजफ्फरनगर तमाम दंगे कराए, समाजवादी पार्टी, और ये ऐसी पार्टी है जो दंगे कराकर मुसलमानों को डराकर वोट लेती रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहली पार्टी है कि जो पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर विकास के साथ मुसलमानों को, सबका साथ सबके विकास के साथ और मुख्य धारा में लाने का काम करती है। और ये मुसलमानों को ये भी याद रखना चाहिए कि जब देश आज़ाद हुआ तो मुसलमान 20% के आसपास सरकारी नौकरियों में था, लेकिन जब मोदी जी को सत्ता मिलती है 2014 में, मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो मुस्लिम 2% सरकारी नौकरियों में था, आज वो 4% के आसपास है, तो मोदी जी ने उसको डबल करने का काम किया है। साथ ही साथ जो मुसलमानों को डरा कर वोट नहीं ले रहे हैं, मुसलमानों को कानून ला करके, उनको सुरक्षा दे करके, उनको मुख्य धारा में ला करके वोट मांग रहे हैं, तो आज मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है। अच्छा, ख़ास तौर पे ये मोर्चे की क्या प्लानिंग है, स्ट्रक्चर कैसे काम कर रहा है फील्ड पे? आज 1918 मंडल में से 1700 कुछ मंडल भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के गठित हैं, वो सभी पूरी सक्रियता के साथ बूथ पर जा रहे हैं, लाभार्थियों से मिल रहे हैं, और जो जहाँ प्रचार प्रसार पार्टी का लगातार कर रहे हैं, कैंडिडेट के साथ और जिला कमेटी के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, और पूरे प्रदेश के अंदर सभी जिलों
कानून व्यवस्था को लेकर के और सरकार के रवैये को लेकर, मुसलमानों के उत्पीड़न को लेकर लगातार सवाल करते थे। तो जो मुसलमान राहुल गांधी को मानते हैं उनको उनकी बात भी सुननी चाहिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी कहीं नहीं हुई है। जिसका जो हक है वो उसको मिल रहा है, रोज़गार मिल रहे हैं, राशन मिल रहा है, आवास मिल रहा है और उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है। अभी चुनाव है, चुनाव में उनको अपना वोट देना चाहिए। आप वोट देंगे नहीं, हिस्सेदारी मांगेंगे। तो जब आप किसी दुकान पर जाते हैं और आप पैसे नहीं देते तो दुकानदार आपको सामान नहीं देता है, क्योंकि आपने उसका पे किया ही नहीं है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं उनकी सरकार आएगी, उनके काम भी होंगे। ये तो भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी देवतुल्य और एक इसे देवता आदमी हैं, जो मुसलमान उनको 19 के अंदर, 17 के अंदर, 14 के अंदर, 22 के अंदर हराने के लिए वोट करता है। ये तो हमारे साथ बासित अली जी, जिनका साफ कहना है कि मुसलमानों को अगर भागीदारी चाहिए तो वोट परसेंटेज भी बढ़ाना होगा, वोट करना होगा बीजेपी के लिए। हमने लाभ में ये नहीं देखा है कौन हिंदू है कौन मुसलमान, मुसलमानों को भी लाभान्वित होते हुए देखा है, यह कहना है बासित अली का। कैमरा पर्सन अनिल के साथ रजा अब्बास, लखनऊ, JK न्यूज़।